कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनोज देशमुख के मार्गदर्शन में पूर्व पार्षद विजय अतुलकर के नेतृत्व में बस स्टैंड से हवाई पट्टी तक रोड निर्माण के लिए रेलवे विभाग द्वारा एनओसी प्रदान करने के लिए स्टेशन मास्टर एवं एडीएन साहब एवं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए गुलदस्ते एवं पुष्प माला भेंट कर धन्यवाद किया गया। कई सालों से जो दर्द हमारे धन्यवाद। लेकिन सर उसके साथ में एक और अपेक्षा रखते हैं, जब सड़क बनेगी तब तो ठीक है, बहुत टाइम है उसको, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमें एनओसी प्राप्त हुई है, लेकिन कुछ बीच में आप इस सड़क की जो जर्जर व्यवस्था है, कम से कम ये बोर्ड की टर्निंग से एयर स्ट्रिप तक, उसमें कम से कम आप अभी कुछ प्राथमिक तौर से मुरूम या कुछ भी व्यवस्था ऐसी कराइए। वरिष्ठ कांग्रेसी संजय साहू ने बताया कि कई दिनों से कांग्रेस पार्टी द्वारा बस स्टैंड से हवाई पट्टी तक रोड निर्माण के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन कर वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। एयरफोर्स स्टेडियम ग्राउंड तक की जो सड़क जर्जर अवस्था में है उसके सुधार के लिए हमारे बहुत से नागरिक और जनप्रतिनिधि प्रयासरत थे और उन्होंने इस बारे में जिला प्रशासन के माध्यम से निर्माण करने के लिए रेल प्रशासन से अनापत्ति मांगी थी, जिसको देखते हुए मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने उसमें अनापत्ति देने का कार्य किया हुआ है। अब इस निर्माण की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन तो स्थानीय प्रतिनिधियों की है और मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही उसके निर्माण कार्य करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही अन्य समितियों द्वारा भी मांग की गई थी कि जिस पर अमल करते हुए रेल विभाग द्वारा नगर की जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए रोड निर्माण के लिए एनओसी प्रदान की गई है। आमला से दिलीप पॉल की रिपोर्ट।